अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप? काफ़ी परेशान परेशान बैठे हुए थे, मुरझाए मुरझाए थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहा थैंक यू सो मच अली, टीम करो मुमकिन और आप सबका शुक्रिया कि आप लोग संडे वाले दिन अपने सारी मसरूफियात छोड़ छाड़ के यहाँ मौजूद हैं। इट्स एन ऑनर टू बी हेयर एंड थैंक यू सर फॉर अगेन इन्वाइटिंग मी। एक सेशन हम लाहौर में कर चुके हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि आप ही की तरह मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया, आप में से कुछ लोग कर चुके होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे, और जो बड़ा की एलिमेंट उसके अंदर आता है वही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। आप लोग घर से आए, घर से यहाँ आने तक आपने कोई रोड मैप डिसाइड किया होगा, ना? Yes. तो उस एक्टिविटी में आप लीडर थे कि मैं घर से कैसे निकलूंगा, वहां तक कैसे पहुंचूंगा, ड्रेसअप क्या करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, और आप इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कंफ्यूज होते हैं, ब्लैक पहनो के व्हाइट पहनो, यू आर नाउ कम्युनिकेटिंग टू योर सेल्फ, ये सूट करेगा ये नहीं सूट करेगा। तो कुछ लोगों में लीडरशिप स्किल होते हैं वो बस ठीक है, कुछ लोग होते हैं नहीं ठीक है, पूरा रेडियो के एंड पे कहेंगे नहीं अच्छा नहीं लग रहा। यू आर कम्युनिकेटिंग टू योर सेल्फ। अच्छे वक्तों की बात है, एक फारसी की कहावत है कि वो कहते हैं कि एक साहब थे बादशाह, बैठे हुए थे एक जगह पे, तो उनको किसी ने कहा कि हमारे इलाके में एक सिंगर है बहुत सुरीले, उनको बुला गाना सुना। अब वो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा जी इनको सोने के हार दे दो। अब वो गाना सुनाने वाले को फील हुआ कि लो जी आज तो बादशाह साहब जो है ना वो बड़े मूड में, उसने कंटिन्यू कर लिया, उसको और अच्छा लगा, उसने कहा इसको हीरे के हार दे दो। बात बढ़ती 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 जायदाद यानी सल्तनत की आदि बादशाह तक जा पहुंची। उसके बाद सिंगर ने कहा बादशाह सलामत आज के लिए इतना, मैं दोबारा आऊंगा। और घर जाकर उसने कहा आधी सल्तनत तो मैं ले आया हूं, एक दफा और गया तो बादशाह मैं बन जाऊंगा। ठीक है, दिन गुजरते गए गुजरते गए, तो एक दिन बेगम ने कहा वो हार वो सारा कुछ वो जायदाद किधर गई? कहता बादशाह बिजी आदमी है भूल गया होगा, मैं जाके याद करा के आता हूँ। चला गया, उसने कहा बादशाह सलामत वो जायदाद का आधा हिस्सा और हीरे जवाहरात। उन्होंने कहा यार कौन से हीरे जवाहरात और कौन सी जायदाद? ने कहा मैंने इतनी देर गाया गला फाड़ फाड़ के आपने मुझे खुद रिवॉर्ड किया दिया था ना, इनाम दिया था बतौर इनाम। उन्होंने कहा भाई देख, तू जब गाना गा रहा था ना तो मेरे कानों को बड़ा सुरबुला रहा था, तुझे मोटिवेट करने के लिए मैं तुझे इनाम देता जा रहा था, बदले में तेरे कानों को अच्छा लग रहा था तू और अच्छा गा रहा था, तो ये लेने देने वाला मामला उसी दिन खत्म हो गया, तूने मुझे गा के सुनाया मैंने तुझे इनाम दे के बता दिया, तो ये जायदाद वाला मामला खत्म। उसे जिद की, उसने गार्ड को कहा ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया। दिस इज पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आप स्टार्ट करते हैं घर से। अच्छा, अभी बड़ी अच्छी बात की गई कि बचपन से लेके टेल योर डेथ आप कम्युनिकेट करते हैं। छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है, जब बोल नहीं सकता, वो अपना मैसेज कैसे कन्वे करता है? रो के। कैसे? उसको पेन है वो क्या करेगा? रोएगा। उसको खाना पीना चाहिए क्या करेगा? और पाकिस्तानी बच्चे ठीक रो लेते हैं, मतलब बड़े होकर भी रो लेते हैं, सॉर्ट ऑफ मांगने के लिए और कहीं जाने के लिए। तो कम्युनिकेशन यहां से स्टार्ट होता है, बड़ा बेसिक लेवल से। फिर हम स्टेजेस के साथ उसको ग्रो करते हैं, सीखते हैं। जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था कि अंग्रेजी सीख लो कामयाब हो जाओगे, यही था ना, जो अच्छा अंग्रेजी बोल लेता वो कामयाब कंसिडर किया जाता है। अब कह रहे हैं चाइनीज सीख लो, 30-35 साल अंग्रेजी सीख सीख के अब लोग पैसे पे करके चाइनीज सीख रहे हैं, अब कामयाबी का स्टैंडर्ड क्या हो गया? अब आपको मैं आपसे अगर पूछूं, मैं आपसे अगर क्विकली पूछूं, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? एजुकेशन है, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी है, ज्यादातर तो स्टूडेंट्स ही लग रहे हैं मुझे, मेरी एज के हैं, कुछ लोग ही बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं ना ज्यादातर। पढ़ रहे हैं किस क्लास में, और आपकी नजर में आज यहां से आप क्या सीखने आए हैं? मुझे आप ये एक जुमले में बताएंगे, एक मिनट दे देता हूँ सोचने के लिए, जरा लंबी लंबी छोड़ने के लिए सोचने के लिए, क्या क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं और क्या सीखने आए हैं।
ताकि मैं अपनी चीजों को उस हिसाब से ले चलूं और फिर हमें जरा आसान हो जाएगा। वन मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर कोई डन कर चुका हो रेज योर हैंड, मैं स्टार्ट कर लेता हूं। सर खुद को बेहतर करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड फॉर इम्प्रूवमेंट, ओके, गॉट योर पॉइंट। आप अभी कर क्या रहे? वेरी गुड, वेरी गुड जी। मैम Again, improvement communication. Very good. जी मैम I'm doing MFA from before university. And I'm here to groom myself, specifically groom my communication skills. Okay. Ma'am. Assalamu alaikum, sir. Actually, I'm a teacher and I'm also a student. I'm doing BS. So I came here to learn how to teach the students, other students. In which class you are as a teacher? In tier 1. That's great. That's great. Yes, it's like that. अगर मैं एज अ टीचर कुछ कर रही हूँ तो मुझे उसमें इस और चीज की जरूरत है, जैसे बच्चों को मैं ज्यादा अच्छा करती हूँ, बिकॉज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ टू चेंज स्टूडेंट्स, टू गिव एजुकेशन टू अदर। ग्रेट, एक्सेलेंट। आप जैसे लोगों की बड़ी शिद्दत से जरूरत है पाकिस्तान में, टीचर्स, गुड टीचर्स। ग्रेट जी। सर मैं ये मैसेज आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए हम कैसे कन्वे योर मैसेज बेटर? ओके, दैट्स ग्रेट। सर I'm doing a job as a coordinator in a private school. Okay. I'm here to learn how to improve my linguistic skills. Okay. Hey, 1 minute guzar gaya. 1 minute passed. क्या करते हैं, क्या सोच के आए हैं? घर से आए हैं ना, सोच के ही आए होंगे। कुछ बेहतर पता नहीं क्या बेहतर सोच के आए। अच्छा सर, अच्छा कुछ लोग ना इस टेंशन में चले गए, जैसे आप क्लास में सबक नहीं सुनाते तो दिल में कह रहे थे अल्लाह करे झूठ ही हुए मेरे दे मारी ना सच्चे कभी भेज रहे ना कंटिन्यूसली कई कई। और कुछ लोगों का आता है कि वो टीचर से आई कॉन्टेक्ट नहीं डेवलप कर पाते, कि मैं देखिए रहा थे और किसी की वारी आई नहीं मेरी वारी आई। तो ये ट्रैफिक में भी अक्सर लोग करते हैं, जब वो कोई वायलेशन करके जा रहे होते हैं ना तो वो कहते हैं बस पुलिस वाले देखी ना तेरी नजर पे गई तेरे बुला। अब मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, मैंने आपसे आपके मुतल्लिक क्वेश्चन किया कि आप क्या करते हैं और क्या सोच के आए। कुछ लोग बहुत एक्टिव थे, जेंटलमैन देयर मैम मैम, कुछ लोग अभी तक सोच रहे हैं, कुछ लोग दिल में कह रहे हैं अल्लाह करे मेरी वाणी फीलिंग थी ना ये इस बैंक में थी थोड़ी सी अभी नहीं नहीं पीछे कुछ कोई नजर कर रहा हूँ, कुछ लोग वरिड। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ अब हमने करना क्या है और कैसे क्या करना है। आज की हमारी वर्कशॉप किस चीज के ऊपर है? स्पेलिंग बता देंगे क्या? हाँ जी, एम T-A-T-I-O-M यही है ना? Yes, आपके पास पेजेस जरा लंबे हैं, ऐसे ही है ना? Yes, लिख लीजिए पूरा ऐसे ऐसे कॉलम वाइज लिखिएगा, वन बाय वन स्ट्रेट। बड़ा बड़ा करके C, उसके बाद कैपिटल में O, फिर डबल M। Raise your hand who are done. Done, done, done. Jaldi, 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 jaldi. We are late already. Communication लिख चुके जी? Yes sir. अच्छा अब मैं अब देखिए आज तक हमने शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं की
इसमें से हर एक अल्फाबेट के आगे कोई ना कोई वर्ड बन सकता है, बन सकता है ना, विद योर ओन चॉइस। आप पहले डिसाइड कीजिए कि हर एक में इंग्लिश में क्या वर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, हम क्या बात कर रहे हैं सी से बहुत सारे वर्ड बनेंगे। अब आपने ऑब्जेक्टिव रखना है अपना, यानी आप खुद क्या चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे बनेगा। अब मैं आपसे आप ही के नॉलेज के मुताबिक इसको फिल करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सी मीन चॉइस, क्लियर, क्रिएटिव, कर्टियस, क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट, कॉमर्स। एक लंबी लिस्ट निकलेगी, एक लंबी लिस्ट निकलेगी कि आपकी नजर में एक कम्युनिकेशन में जो सबसे पहला वर्ड है सी, वो क्या होना चाहिए। अब आप अपनी चॉइस के मुताबिक लिख लीजिए। द फर्स्ट वर्ड क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वट एवर यू लाइक, राइट द फर्स्ट वर्ड लिख लिया। द सेकेंड वर्ड इज ओ, वेरी गुड, ऑर्गेनाइज्ड, वट एवर यू लाइक। आई एम नॉट गिविंग यू द टिप के जी ये ही वर्ड होना चाहिए, मैं अब आपको लर्निंग का पैटर्न सिखा रहा हूं कि आपके पास नॉलेज है, यू पीपल आर एक्टिव, लेकिन हमने करना क्या है, हमने उसको चीजों को यूज करना है। जैसे आपने अगर क्रिएटिव लिखा है तो दूसरा वर्ड आप अपनी चॉइस का लिखिए जो आपके मुताबिक कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखिए, राइट इट डाउन। सेकेंड वर्ड ओ से लिख चुके, द थर्ड वर्ड इज एम। अब एम दो मर्तबा है, फॉर एग्जाम्पल एम से क्या बनता है, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, मोमेंट, मैनर्स, गॉट माई पॉइंट, राइट टू वर्ड्स फॉर एम ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर चॉइस। जरा अल्फाज सोच समझ के लिखिएगा, आपके पास आपको पता नहीं जब मैंने पे आएंगे तो मैं आपके साथ करूंगा क्या। कीप गोइंग वेल डन। एम के दोनों वर्ड्स लिख चुके, ऑफ योर ओन चॉइस, स्पेलिंग के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं अभी बता रहा हूं, लिखते जाइएगा। उसके बाद आ गया यू, यूनिक, मैंने यूनिटी नहीं कम्युनिकेशन में क्या बोलते हैं, इट्स यूनिक, अंडरस्टैंडेबल, यूनियन, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, यूनिक। अमीना आप कम्युनिकेशन कैसे यूज करेंगे, यूनिक वर्ड यूज करेंगे, आप कैसा करेंगे जो लोग अंडरस्टैंड कर सके, एनीथिंग यू लाइक, यहां तक समझ आ गया, यू से लिख लिया वर्ड। मेरी प्रेफरेंस वैसे इसमें यूनिक होती है, यू को मैं प्रेफर करता हूं कि कम्युनिकेशन में यूनिकनेस होनी चाहिए। देन कमिंग टू एन, न्यू, न्यू, न्यू वर्ड्स, देयर इज लॉन्ग लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट। एन से और क्या वर्ड बनते हैं बताइए, नेचुरल, नाउ, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा, नहीं सिर्फ नाउ तक, लेकिन बेटर है न्यू, एक अच्छी वर्ड है कि मैं जब भी कम्युनिकेट करूंगा मैं कुछ नया लेके चलूंगा, मैं कुछ नए वर्ड सिलेक्ट करूंगा, नई स्टेटमेंट चलाऊंगा, क्लियर है। आगे आ जाइए जी, आई, इंटरेस्टिंग, इंटरैक्टिव, इंप्रूव्ड, इनोवेशन, इनोवेटिव, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, कितनी लंबी रेंज बन गई। मैं कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा, मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूं कि आप कैसे अपने कम्युनिकेशन को कर सकते हैं जी। आई हो गया, लेट्स सी, कोलैबोरेटिव, क्रिएटिव, कॉन्टेक्टिंग, क्लियर, पहले अगर नहीं किया तो आप कर सकते हैं, डन हो गया जी। देन देयर इज ए, एबिलिटी, अडोरेबल, अट्रैक्टिव, डन हो गया। टी, टाइमली, टाइमली, टारगेटेड,
टारगेटेड, आप किसको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? अब्बा से बात करते हुए आपका लहजा और होता है, छोटे बहन भाइयों को डांटते हुए आप बिल्कुल डिफरेंट होते, ऐसे ही है ना? ये गलत है। टारगेटेड या टारगेट, देन देयर इज आई, आई अगेन आप मैंने इंटरेस्टिंग कर चुके, इंटेलिजेंस, द वे यू कम्युनिकेट शुड बी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, देन देयर इज ओ, ओ से वर्ड बताया था कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइज, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डन हो गया। देन देयर इज एन, अगेन एक एग्जांपल हमने न्यू की डिस्कस की थी, नॉन वर्बल भी एग्जांपल है, देयर आर वर्ड्स। अब सब लिख चुके यहां तक, एन वाला लास्ट, लास्ट एन, नीट, नैरो, आप एक बड़ा लिमिटेड ऑडियंस को कैलकुलेट करके बात करेंगे ना, तो इट शुड बी लाइक जितना आप उसको फिल्टर करते जाए। दादा जी, अब हमने कम्युनिकेशन जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए लिख लिया कि वो क्या होता है, अपनी अपनी मर्जी से लिखा, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे एज अ टॉपिक कि हमने करना क्या है। ठीक है, आप में से सिंपल मेजोरिटी मेरे समेत कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहता है। माई नेम इज मोहम्मद वकास शबीर, आई एम वर्किंग इन टेलीकॉम कंपनी, बड़ा नाम है, वहां से मैंने कॉल सेंटर से स्टार्ट किया, नाउ आई एम ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो हमारे पास कोई 15 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे हर महीने हम 5 से लेके 50 तक का बैच ट्रेन करते हैं, जिसमें नए आने वाले लोगों को हम पूरा सिस्टम उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे आप बात करेंगे, क्या बात करेंगे जिससे आप अपना काम आसान कर सकते हैं। उसमें वर्बल स्किल मौजूद है, उसमें नॉन वर्बल स्किल मौजूद है, सिग्नल बेस्ड लैंग्वेज, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट रिटन कम्युनिकेशन, क्या आपने जब बात करनी है तो कैसे बात करनी है। ठीक है जी, तो दिस इज वन ऑफ माय रिस्पांसिबिलिटी के मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, जैसे भी आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो उसमें ये सारा दिन है, ये सुबह उठने से लेके सोने तक। अगर मैं आपको कहूं आप सोते हुए भी कम्युनिकेट करते हैं, करते हैं कैसे? हाँ, नो सर, मैंने कभी पूछा तो सही किसी से, अक्सर लोग जब ज्यादा थके हुए होते हैं ना, तो माशाल्लाह तीसरे कमरे तक लोग कह रहे होते हैं कि व्हाट हैपनिंग, कुछ लोगों के साथ होता है, दैट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन जब आप सोए हुए होते हैं कम्युनिकेशन तभी होता है? नहीं होता, होता है, होता है, मैं आई कैन प्रूव होता है। कैसे? चले खराटों को माइनस करते हैं, खराटों को माइनस, ड्रीम्स, आपके ब्लड की जो सर्कुलेशन है ना, दिस इज योर बॉडीज कम्युनिकेशन, वो चल रहा होता है, बंदा जिंदा है। जिसका नहीं होता ना, उसको सुबह वो तैयारी करते हैं अल्लाह हाफिज करके आए। योर ब्लड सर्कुलेशन इज योर कम्युनिकेशन बॉडी के अंदर, इट्स मूविंग। ठीक है जी, अच्छा लर्निंग पे आ जाते हैं। अब हमने जब कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड कर लिया क्या है, अब मैं टाइप्स पे आ जाता हूं। आपने अपने कम्युनिकेशन का टारगेट खुद सेट किया, जो आपने देख लिया ना, जो विराज साहब ने बात की वो बहुत अच्छी बात है, ये जो आपने लिखा है ना, आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। मैं इसके लिए आपको कोई ग्रामर, कोई बुक, कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको बड़ा सिंपल सिंपल टिप दूंगा जिससे आप अपना कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल टिप है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कम्युनिकेशन है क्या। इंग्लिश लैंग्वेज बोल लेना इज अ सिंबल ऑफ गुड कम्युनिकेशन, दैट इज वन पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, वन पार्ट, इज इट? कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की टाइप्स है बड़ी साथी साथी, तो दो टाइप्स है। पहला क्या है और दूसरा क्या है, दो है ना। वर्बल क्या होता है, वर्बल क्या होता है, जो आप शो ऑफ कर रहे होते हैं,
आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल क्या होता है? सिग्नल बेस्ड. सिंपल कर देता हूं, सिग्नल बेस्ड आपके जेस्टर, पोस्टर्स, ठीक है. ये कम्युनिकेशन है. ये क्या है? ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये क्या है? लिखा तो नहीं हुआ फ्लाग. इसकी दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एक 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 इंडिकेशन है. इज इट डन? प्रैक्टिकली बताता हूं, जो हम झाड़ पूछ खा रहे होते हैं ना, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. क्योंकि हम सुन रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है. वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल. आप जो मेरी बात का जवाब दे रहे हो, मेरी बात सुन पा रहे हैं, दैट इज वर्बल. द वे आई एम मूविंग माई हैंड्स, माई फेस, दैट इज नॉन वर्बल. इफ आई से, मैं आपसे पूछता हूं, आप इसे कितने लोग हैं जिन्होंने चार्ली चैपलिन को देखा हुआ? मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, यस सर. कितनी पॉजिटिव आवाज है. यस सर, देखा हुआ ना? यस सर. वो मुंह से बात करता है? क्या करता है वो? एक्शंस. एक्शंस कर रहा है ना? रिस्पॉन्स क्या आता है? आप देख के आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि इस वक्त ये क्या कर रहा है. इज इट डन? वन गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल. अब वर्बल पे आ जाए. टीवी कितने लोग देखते हैं? टीवी पे एड्स आते हैं. एड्स आपको क्या बता रहे होते हैं? मैसेज कन्वे करते हैं कि ये सर्फ सबसे अच्छा है, ये घी सबसे अच्छा है. लेकिन उसके लिए वो मीडियम क्या यूज करते हैं? वर्बल. डिस्कशन चल रही होगी, सिचुएशन क्रिएट की होगी, और वो सिचुएशन आपकी सिचुएशन की मिलती जुलती सिचुएशन होगी, ठीक है. सैमसंग के एड पाकिस्तान में नहीं चलते. वन गुड रीजन कि वो जो इंटरनेशनल एड बनाते हैं वही यहां पे चलाते हैं. हमारा कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता, रिजल्टेडली डेड. लेकिन आप अगर देखिए, रमजान जब आता है तो उसमें रोजे को टारगेट करके आपको कम्युनिकेट किया जाता है कि अगर आप रोजा रख रहे हैं तो ये ए बी सी चीज है जो सबसे अच्छी है, और फिर फायदे बताए जाते हैं. फिर रोजे के बाद ए बी सी शरबत पीने से आप में एनर्जी बहाल हो जाएगी. इज इट कम्युनिकेशन? सिंपल, क्लियर है जी? डन. वर्बल नॉन वर्बल समझ में आता है? समझ में आता है? अच्छा, अब एक और चीज है. जैसे मैंने कहा ये क्या है? फ्लावर. ये सिग्नल बेस्ड लैंग्वेज है. आप जब बुक खोलते हो, बुक के अंदर जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है? कुछ लिखा हुआ होता है, कहीं पिक्चर बनी हुई होती है, कहीं ग्राफ बने हुए होते हैं, और आपको एक टीचर एलेबोरेट कर रहा होता है कि ये सारा टॉपिक क्या है. दिस इज गुड एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम नॉन वर्बल. यू रीड, you can see the picture, and after listening that from your teacher, you understand. आपको समझ में आ जाता है कि अभी क्या है और उसको कैसे करना है. तो जो confusions या problems होती हैं, आप क्या करते हैं? उसके through clear कर लेते हैं. Done हो गया? Communication समझ में आया है क्या? अगर ये समझ में आ गया, फिर हमारा topic बड़े अच्छे से चले जाएगा. समझ में आया यहाँ तक? Verbal, non-verbal, practically समझ में आ गया? अगर कभी भूले तो जो डांट पड़ती है वो वर्बल, जो चित्र दिखाया जाता है दैट इज नॉन वर्बल. तो जैसे ही वो चित्र लहराया जाता है ना, तो आपको समझ में आ जाती है कि नाउ सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल. समझ में आएगा? नहीं तो मैं समझता था कि यहां पे है, तो सोशल मीडिया से काफी ना मैं निकालता हूँ चीजें. ये इंटरनेशनली भी ऐसे ही है. मैं रिसेंटली एक वीडियो देखी, उसमें वो अंग्रेज बच्चा जो है ना, वो एक कबर्ड के अंदर है, ठीक है, कबड़ के अंदर, तो बाहर नहीं आता. उसकी अम्मा ना ऐसे जूता उतार के ऐसे शो करती, छोटा सा बेबी दौड़ लगा के बाहर. तो दैट डे आई रियलाइज कि ये इंटरनेशनली अच्छा टूल है, यहाँ पे नहीं बात सब जगह पे. अब आपको कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेशन के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, दैट इज कि आपको वर्बल भी नॉन वर्बल दोनों को डेवेलप करना पड़ता है, दोनों को, ठीक है. अगर आपको सिर्फ बोलना आता है, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल. प्लीज इस चीज को समझिएगा. मैंने आपको एग्जांपल दी, मिस्टर बीन इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. क्या वो बोलता है? नहीं बोलता.
he is famous for what? His facial expressions. जब वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो आपको नीचे ट्रांसलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. ये आर्ट आपको सीखना होगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज. सम टाइम अगर आप भूल भी जाते हैं ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट करती है आपको रिकॉल करने के लिए. अगर आप इसके ऊपर ग्रिप कर लें तो आप बड़े कंफर्टेबली अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं. यू कैन बी. ठीक है, अब आपने जब कहा कि आपको वर्बल नॉन वर्बल समझ में आ गया, आई हैव अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी. हम 5 मिनट लेंगे जिसमें हम बोलने बगैर, क्योंकि बोल तो आप सब रहे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो चीज हम लैक करते हैं जो आपके कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका नॉन वर्बल स्किल. हम लोगों को ड्रॉ बहुत अच्छा नहीं करना आता, हमें ड्रॉ को इंटरप्रेट करना बहुत अच्छा नहीं आता. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अब हमारा आज का थीम क्या है? कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप. कम्युनिकेशन एंड, तो अभी मैंने आपको कहा कि लीड तो आप कर रहे होते हैं, मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, दैट इज योर इंटरनल लीडरशिप स्किल. मैं यहां जाऊंगा यहां नहीं जाऊंगा, इससे बात करूंगा इससे नहीं करूंगा, यू आर लीडिंग योर सेल्फ इन दैट. हमारी नजर में सिर्फ सियासी लीडर होते हैं या किसी भी इदारे में बड़े लीडरशिप, नहीं. आप जब अपना काम इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं यू आर एक्चुअली लीडिंग योर सेल्फ. ठीक है, अब आपने उसको बढ़ाना है. जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता जाएगा उतना ही आपका लीडरशिप स्किल भी डेवलप होता जाएगा, क्योंकि आप अपना मैसेज लोगों को कन्वे कर पाएंगे. तो उसमें जो झिझक होती है ना उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है आप एंजॉय करेंगे, अगर आपकी लर्निंग नहीं है तो जब टैंकी यहां से खाली होगी तो यहां से तो कुछ नहीं बाहर आएगा, मुआवजा ही होगा, वो उसे कम ही होता नहीं होता. तो मैं आपके साथ अभी काम करूंगा, मैं आपको बता देता हूं. अभी हमारे पास सर अकाउंट पे कितने लोग हैं? 25, 26. ओके, वी विल बी इन 3 teams ऑफ 9 each. 2 9 की बनेंगी, 1 8 की बन जाएगी, या वाइस वर्सा कोई 8 और प्लस 9 का कॉम्बिनेशन बना के मैं टीम बना देता हूँ. टीम बनाने के बाद मैं आपको टीम मीटिंग दूंगा 2 मिनट. आपको कोई एक लीडर चूज करना है. बी केयरफुल वाइल चूजिंग योर लीडर. बी केयरफुल वाइल, उसके ड्राइंग स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए. चले मैं कम्युनिकेट भी कर देता हूं, उसके ड्राइंग स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए. नाउ आई विल शो यू द एग्जांपल के हाउ कम्युनिकेशन वर्क. ठीक है, मतलब अभी नो नीड टू वरी, बी इंटरएक्टिव. कोई मार्क्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है. अगर आप पार्टिसिपेट करोगे आप बेहतर सीखोगे. मैं भी आप ही की तरह हूं, मतलब कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना एज में ना लर्निंग में, तो थोड़ा सा इजी हो जाए. डन? आर वी रिलैक्स? ओके, इंटरएक्टिव. अच्छा, टीम्स मैं बना देता हूं, उसके बाद आपको करनी होगी टीम मीटिंग, उसके दूंगा 2 मिनट. उसके बाद फिर मैं एक एक टीम में बिठाऊंगा आपको. ठीक है, एक तरह से वापस चले जाएंगे एग्जाम्स में, नकल नहीं मार पाएंगे. ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि लीडर को चूज करते वक्त जरा थोड़ा सा केयरफुल हो जाएगा. आई विल बी क्रिएटिंग 3 teams और उसके बाद फिर आपको डिस्कशन के बाद क्या करना है, लीडर चूज करना है. ओके, सो प्लीज स्टैंड अप.